इसके भी जूते गीले है ना, तो पैर है ना मूव करते रहना अंदर, 3 फीट के आसपास सुनो मिलेगी। चलो चलो यहाँ काटने पड़ेंगे, बहुत पैर डेड हो रखे हैं, बुरा हाल। This is heaven, no less than heaven. अभी तक का मेरे लिए हार्डेस्ट ट्रैक है। ठंड लग रही है आप। यहाँ काफी ज्यादा स्नो है। फाइनली हम लोग अभी बेरिन लेक पे हैं। क्या कहते हो, अगर आपने अली बेदनी विंटर्स नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जूते खत्म है, लौंडे हमारे जूते सुखाते हुए अपने ये भाई गेटर सुखा रहा है, ये सब कुछ ही सुखा रहा है। मेरे से मत पूछो भाई। पैंट भी खोल के लटका लो एक बार। बढ़िया मजा आ रहा है। रात को टेंट के बाहर छोड़ने का नतीजा था। रेडी ब्रो? यो ऑल सेट। रेडी भाई? ऑल सेट। यो ब्रो आर यू रेडी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है day 4 हमारे ट्रैक का और अभी हम हैं अपने बेस कैंप पे और यहाँ से जा रहे हैं बेदनी बुग्याल, जो कि है 3 किलोमीटर। और गाइज, वहाँ कल से भी काफ़ी ज़्यादा स्नो मिलने वाली है। आज का हम लोग बेदनी जा रहे हैं, जो कि टोटली 3 किलोमीटर है। टोटल 2 किलोमीटर पूरा स्टीप है, 1 किलोमीटर ग्रेजुअल है। स्नो ग्रेजुअल में 3 फीट के आसपास स्नो मिलेगी। जिसके भी जूते गीले हैं ना, तो पैर है ना मूव करते रहना अंदर, ठीक है? नहीं तो ठंडे लग जाएंगे, ठीक है? मतलब चलते वक्त है ना ऐसा मूव करते रहना उसको जूते के अंदर ही से। हाँ, मेरे तो बहुत ही गीले हैं, सबके गीले हैं। अरे इनका अच्छा, तुम्हारे कैसे खुल गए ये फिर से? चैन नहीं लगाई ना भाई, चैन है ही नहीं। सो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं अपने ट्रैक के लिए और यहाँ पे बर्फ देखिए कितनी ज्यादा है। चलो चलो चलो, स्नो ही स्नो। काटने पड़ेंगे, बहुत पैर डेड हो रखे हैं, बुरा हाल। उंगलियां डेड, शूज डेड, सॉक्स डेड, सब डेड। हम यहां से स्लाइड करना चाहते हैं। अभी हम यहां पहुंच गए हैं, इस जगह का नाम है डोलिया धार और यहां से आप व्यू चेक करिए, क्या अमेजिंग व्यू है यहां से। ये देखिए, पूरा व्यू देखिए यहां से, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। बाकी के ट्रैकर्स तो अभी हमें आपका डोलियाधार में, डोलियाधार मतलब यहाँ पे जो देवी की डोली होती है ना, जो हमारी माँ पार्वती होती है, तो उसकी डोली यहीं से जाती है। डोली मतलब जिसको चार तरह से पकड़ते हैं, ओके, है ना, उसमें देवता का वास होता है, मूर्ति होती है उसमें। तो यहाँ पे वो रेस्ट करती होगी, यहीं से जाते हैं रास्ते से, तो उसका नाम डोलियाधार। धार मीन्स होता है टॉप को भी बोलते हैं और एक रिज को भी धार बोलते हैं लोकल भाषा में। लोकल भाषा में चाहे आप हिमाचल जाओ, चाहे यहाँ आओ, चाहे नेपाल जाओ, धार मतलब रिज, रिज या टॉप। जोश हम राइट से स्टार्ट करते हैं। हाँ। पीछे पीक जो दिख रही है, क्लाउड्स हो गए, त्रिशूल था, अभी दिख नहीं रहा है। उसके फ्रंट की पीक है जो है ना, ये नॉर्मल ट्रैक है, कोई पीक नहीं है। ये है अनवार रूड़ी, इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग वांग बनार, जो कि ये मिंडा फाड़ा का समिट पॉइंट है। ये रीच जो दिख रही है, ये है मिंडा फाड़ा, देन वो सामने गंजा पहाड़ दिख रहा है, ये है मुनार टॉप, और इधर वाली रीज ब्रह्मताल टॉप, ये ब्रह्मताल टॉप। सो गाइस, मेरे गेटर्स बार बार खुल रहे थे, तो अभी राकेश भाई इसको अच्छे से फिक्स कर रहे हैं ताकि ये बार बार ना खुले, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा स्नो होने वाली है।
ये पेड़ क्या काट देते हो या इससे बड़ा होता नहीं है? ठंड लग रही है अब, पूरा स्नो स्नो है, इसलिए हाथ पे ना गोप्रो रहना चाहिए आपका, ना कैमरा, हाथ ना फ्री रखो, हाथ हाथ मतलब फ्री रहने चाहिए आपके, आगे ज्यादा सुनो गिर सकते हैं, क्योंकि घुटने से नीचे धसेंगे आप कहीं किसी किसी जगह पर घुटने से नीचे धस जाएंगे। अच्छा इतनी बर्फ है? हाँ। इधर आराम से चलना भाई, ये देखो यार ये पूरा नीचे स्लोप है, यहाँ हम वॉक कर रहे हैं, ये पूरा जाऊंगा। ओ लो जी मैं डस गया भाई, जब उठा तो लो, डस गया कुकरों के पीछे निकलना पड़ता कभी ना। यहाँ काफी ज्यादा स्नो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पैर देखिए कितना अंदर जा रहा है, कम से कम 3 से 4 फुट स्नो है यहाँ पे, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। ये स्टिक देखिए, ये देखिए ये 4 फीट की स्टिक थी, ये पूरी अंदर चली गई, कितनी स्नो है। और बादल देखिए यहाँ, कभी भी स्नोफॉल चालू हो सकती है यहाँ पे। भाई क्या सिचुएशन है? डेडली भाई, अभी तक का मेरे लिए हार्डेस्ट ट्रैक है, पर अच्छा ट्रैक है, व्यू बहुत अच्छे हैं, लास्ट वाला दिन बोस्टिक हाइक है। ये हमारे राकेश भाई खड़े हैं, राकेश भाई विजिबिलिटी तो 0 होती जा रही है, नीचे जाते जाते स्नोफॉल हो सकती है, क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने गोप्रो लगा लिया अपने फोरहेड पे और अब आपको मैं सारे रास्ते के व्यूज दिखाता चलूंगा। काफ़ी डिफिकल्ट ट्रैक है ये विंटर में अली बुक, पर अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो विंटर में एक बार ये ज़रूर ट्राई करिए। सी क्लाउड देखो, हम क्लाउड्स के अंदर से निकल के जा रहे हैं, ये है जन्नत। सी आकाश भाई से पूछते हैं, आकाश भाई
कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। जो व्यू है ना, सच में ऑसम यार। बादलों के बीच में से निकल के जा रहे हैं हम। बार बार यही बात दोहरा रहे हैं, विंटर ट्रैक अली बेदनी, जिसने नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। जरूर ट्राई करें एक बार, देखो साथ साथ रहो, अब तो खो भी सकते हैं। व्यू तो जा रही है, जैसे आप लोग देख रहे हैं सब, वो व्यू देखिए ऊपर। ऊपर थोड़ा भी धूप आ रहा है तो तब करके वो ग्लेशियर, वो बादल देखो कितनी स्पीड में चल रहे हैं। विजिबिलिटी जीरो हो रही है। ओह अमेजिंग, खराब होने के सार बहुत ज्यादा है। कभी भी स्नोफॉल हो सकती है और वेदर अभी ऐसा हो गया कि बहुत तगड़ी वाली होगी। आप देख सकते हैं बादलों के बीच में से हम निकल के जा रहे हैं अभी। अमेजिंग, ऐसा तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि यहाँ ऐसा होगा। आज वो सीन है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज वो गाना गा सकते हैं कि आज मैं ऊपर और आसमान नीचे। अभी गाना गाने की कोई हिम्मत नहीं। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं बेदनी बुग्याल। क्यों जी? हाँ जी, फाइनली हम आ गए हैं। एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है ये मेडो, अभी स्नो से ढका हुआ है। यहाँ से व्यू देखिए आप, बादल देखिए चलते हुए। ये मंदिर, ये हैं वो तीन लोग जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। थैंक यू सो मच भाई लोगों। और ये हैं भाई, जो भी आप सारी डिफिकल्ट वीडियोस देखोगे वो इन्होंने बनाई हैं। थैंक यू सो मच भाई। फाइनली हम लोग अभी बेदनी लेक पे हैं। जो आप ये बेदनी लेक है, उसके टेंपल्स है नंदा देवी माँ शिव शंकर का, और सामने लाठू देवता का टेंपल है। और अभी बेदनी में 4 फीट कम से कम स्नो है और हम लेक के ऊपर ही बैठे हैं। इस लेक की गहराई है 5 फीट कम से कम, और ये अभी बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है। और ये पूरा ऊपर से, मतलब ऊपर तक इसका ये बर्फ़ की लेयर बनी हुई है। और हम लोग फाइनली बेदनी बुग्याल कुंड के पास पहुंच चुके हैं। तो ये सारा स्नो है, ये टोटली स्नो है। इसके नीचे फ्रोजन लेक, फ्रोजन लेक है। आओ जी आओ जी, फाइनली। मैं बस वहाँ रुकी थी इसलिए लेट हो गए। वैसे यहाँ से वेदर देखिए आप, कभी भी स्नोफॉल हो सकती है। व्यू देखिए यहाँ से। तो भाई कैसा फील हो रहा है आके? मज़ा आ रहा है ना? ये थोड़ा विजिबल होता है, थोड़ा थोड़े क्लाउड आ गए हैं, विजिबल होते ना तो और अच्छा रहता, पर फिर भी बहुत ही अमेजिंग है। वो देखिए क्लाउड देखिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया था यार, टफ था पर व्यू बहुत अच्छे हैं। मतलब जितनी शांति ऊपर आके सारी दूर होगी, सारी दूर होगी। एक बार जरूर अली बेदनी जिंदगी में आना, और विंटर में जरूर आना। ये किसका मंदिर है भाई? देवी माता का। सो गाइस बेदनी बुग्याल पे आने के बाद अब हम कर रहे हैं डिसेंट। ये आगे जा रहे हैं हमारे आकाश भाई। आकाश भाई फुल पावर, अब हमें जल्दी से जल्दी नीचे उतरना है क्योंकि कभी भी स्नोफॉल हो सकती है। चलो ये मैं हूँ, ये पहुंच गए क्या? ये आकाश, ये बाकी सारे पीछे। तो गाइस क्लाउड देखिए यहाँ पे, क्या अमेजिंग वेदर है। क्या कहना चाहोगे भाई? बस भाई बहुत बढ़िया, मज़ा आया। खाली थोड़ा डिफिकल्टी लेवल था, तो स्टीप था 2 किलोमीटर का, सो थोड़ी थकावट थोड़ी हैरानी हुई, बट ऊपर चढ़ के काफ़ी मज़ा आया। आकाश भाई, और YouTube पे मैंने इतनी वीडियो देखी नहीं थी कि भी इतना मतलब हैवी होगा, तो पहली बार मेरे थ्रू देखोगे। पहले ब्लॉग से आप जान पाएंगे कि भी हाँ लास्ट डे काफ़ी। आप भाई क्या कहना चाहेंगे? सर दिस इज हेवन,
No less in heaven. क्या कहते हो अगर आपने विंटर्स नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। वो रहा हमारा कैंप साइट और स्नोफॉल हल्की हल्की होगी चालू। वेदर देख सकते हैं, स्नोफॉल देख सकते हैं और हमारा कैंप साइट देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने बेस कैंप पे और यहाँ आते ही स्नोफॉल हो गई है तेज। सो गाइज आज है लास्ट डे हमारे ट्रैक का और अभी हम हैं लोहा जंग में, यहाँ से जा रहे हैं ऋषिकेश जो कि 10 से 12 घंटे का रास्ता है। गाइस सो फाइनली लास्ट डे, सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। तो कैसा रहा भाई लोगों ट्रिप? माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। फिर से एक लास्ट बार यही बात, अगर विंटर में एलिवेट नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। दिल्ली फोन करूंगा जो बिना फंस। चलो भाई साहब, ओके भैया, बाय, मिलते हैं। हम तो बॉम्बे रहते हैं, मिलते रहेंगे। चलते हैं, चलो भाई जी, मिलते हैं। देखे हमको, हाँ ओके बाय। ओए आगे बढ़ गया मैं। आएगी तू मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू? गाइस अली बेदनी की सीरीज को हम करते हैं यही खत्म एंड होप करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में नई लोकेशन के साथ।